दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरविंदर होम पर। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं अपने लिए एक डिज़ाइनर विला, वो भी बजट के अंदर, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। और लोकेशन की बात करें तो ग्रेटर मोहाली खरड़ के अंदर आपका ये घर पड़ता है। 90 स्क्वायर यार्ड्स का घर है, बस स्टैंड से महज आपका 700 मीटर्स रहेगा, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस। तो दोस्तों, जो फ्रंट रहेगा हमारा 19 फीट का रहेगा। और जो डिज़ाइन की बात करूँ तो ऊपर फ्रंट बालकनी में देखेंगे आपको, तो आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिलेगी और उसके साथ ग्लास की फिनिश मिलेगी। और ठीक इस तरफ जो हमारा हट डिज़ाइन के अंदर मिलेगा हमें थोड़ा थोड़ा स्पेनिश डिज़ाइन। और ठीक यहाँ पर भी हमें जो है गार्डन एरिया हमें मिल जाता है। आप देखिए, बजट घर के अंदर इतना कुछ हमें मिल जाता है। और जो हमारी मेन एंट्रेंस डोर रहेगी वो बिल्कुल आयरन की रहेगी और काफ़ी हैवी आयरन डोर्स हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि सिक्योरिटी आपकी पूरी रहेगी यहाँ पर। वैसे भी एक अच्छा एरिया है, सिक्योर्ड एरिया, यहाँ पर कोई ऐसी कभी वारदात या कभी कुछ ऐसा सुना नहीं है। और पार्किंग हमारे पास जो है कि यहाँ पर हैचबैक की रहेगी पूरी, इजीली आपकी जो गाड़ी हैचबैक है वो आराम से यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पे आपको टैप्स मिल जाएंगी, इजीली आप कार को वॉश कीजिए या वैसे जैसे आप रखना चाहें यूज़ करना चाहें। और ठीक यहाँ पर हमारे पास स्टेयर्स मिलेंगी जहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी और प्लस मार्बल के स्लैब्स यहाँ पर रहेंगी हमारे पास। और मेन एंट्रेंस डोर आपका जो रहेगा फ्लश डोर, डिज़ाइनर डोर, और साथ में एक ईगल आए। देखिए खिड़की आपकी पूरी की पूरी है, पूरी वॉल की है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के अंदर जो रोशनी है वो पूरी रहेगी और सारा दिन रहेगी। और जैसे हम अंदर आते हैं हमारे पास एक अच्छा सा डिज़ाइनर सा होम हमें नज़र आता है। यहाँ पर सीलिंग पर एक बेहतरीन सा डिज़ाइन, फॉल सीलिंग का, उसके साथ एलईडी लैंप्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये हमें वो डिज़ाइन मिलता है जो हमारे कई बार सैम्पल फ्लैट्स के अंदर रहता है। और ये चीज़ हमें हमारे नेचुरल फ्लैट के अंदर मिलने वाली है, नेचुरल घर के अंदर मिलने वाली है। सीधी आपकी जो रहेगी 18 फीट की लेंथ रहेगी, 8 फीट का जो आपका विड्थ रहेगी, तो इजीली आपका जो है 5 सीटर यहाँ पर लग जाएगा, स्पेस अच्छी है। और बजट के हिसाब से घर में आपको सब कुछ मिल रहा है। और ठीक इस तरफ जो है हमारी किचन मिलेगी, एक बड़ी अच्छी सी किचन है। किचन में भी आपको सीलिंग पर पूरा डिज़ाइन मिलता है फॉल सीलिंग का, और साथ में एलईडी लैंप्स मिलते हैं। और जो कलर्स यहाँ पर दिए गए हैं वो वाकई बड़े लाजवाब है। काउंटर टॉप जो हमारा मिलेगा हमें बिल्कुल ग्रेनाइट का मिलता है, एक अच्छा टॉप है। और ठीक इसके सामने देखा जाए तो गोल्डन फिनिश के साथ हमारा जो है फ्रंट मिलता है, जहाँ पे आपका चूल्हा रह जाता है। और ठीक इसके साथ आपको चिमनी की स्पेस मिल जाएगी, चिमनी के लिए आउटलेट यहाँ पर दिया गया है। और जैसे हम अपने कैबिनेट को खोलते हैं तो आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक कैबिनेट्स मिलते हैं, वो डबल लेमिनेशन के साथ है, काफ़ी अच्छी स्पेस है। इजीली आपके जितने जार्स हैं वो यहाँ पर पूरे आने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जितना सामान रखना चाहते हैं रखिए, क्योंकि ऊपर भी आपको जो है पूरी स्पेस मिलेगी। इजीली जो है आप अपना गीज़र लगाएं, नीचे आपके पास डबल सिंक मिलेगा, टैप्स आपके पूरे मिल जाएगा यहाँ पर, आरओ की प्रॉपर आपको चीज़ मिल जाएगी। नीचे जो हमारे पास रहेंगे पूरे रैक्स हमें मिलेंगे, तो स्टोरेज की कमी हमें इस घर के अंदर बिल्कुल नहीं रहने वाली। आप देखिए बजट है, लेकिन बजट घर के अंदर आपको पूरा डिज़ाइन और पूरी क्वालिटी पूरी मिल रही है, ये खास चीज़ है। बहुत कम होता है जब हम देखते हैं कि बजट घर के अंदर आपको इतना कुछ मिल रहा हो। और ठीक है, सिर्फ हमारा फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है। सीलिंग पर यहाँ पर भी पूरा डिज़ाइन हमें मिलेगा। और बिल्कुल ठीक यहाँ पर जो हमारे बेड की बैक है वहाँ पर हमें जो एक अच्छा सा वॉलपेपर हमें मिल जाता है, आपका इजीली बेड यहाँ पर लगेगा। और ठीक आपके बेड के सामने आपका टीवी पैनल, एक शानदार सा टीवी पैनल। और यहाँ पर भी आपके पास स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो इजीली आप यहाँ पर जो 40 इंच का टीवी होता है यहाँ पर लगा सकते हैं। और बता दो दोस्तों, जो आपके जो एलईडी लैंप्स यहाँ पर लगे हैं ये वो क्वालिटी है कि अगर आप रात को भी ऑन करोगे तो इसके अलावा कोई और लाइट ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हमें मिलती है हमारी वार्डरोब्स जो कि स्लाइडर डोर्स के साथ है, और काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पे। ये डबल है तो स्पेस काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, इजीली आपके जो बड़े बड़े कोट्स हैं या जितना भी मटेरियल है वो सारा आराम से अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो मिलती है हमारी लुकिंग मिरर, और साथ में स्टोरेज, तो आपका जितना भी ड्रेसिंग एरिया वो पूरा कंप्लीट है। बस आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा वॉशरूम, कलर बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं, कलर अच्छा, कंट्रास्ट के अंदर अच्छे डिज़ाइन है। अभी टैप्स नहीं लगे हैं, जैसे आप आ जाते हैं घर में तो टैप्स आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक यहाँ पर जो है आपका
डोर और डोर के साथ खिड़कियाँ आपको पूरी मिलती है ऊपर तक, ताकि लाइट जो है घर के अंदर पूरी आए, वेंटिलेशन जो है घर के अंदर पूरा रहे। डबल टैप की प्रोविजन आपको पीछे वॉशिंग एरिया में मिल जाएगी, और यहाँ पर स्पेस इतनी अच्छी है कि आप इजिली जो आपकी फ्रंट लोडिंग मशीन है वो यहाँ रख सकते हैं, उसके साथ वॉशिंग कीजिए, क्लोथिंग कीजिए, दोनों काम यहाँ पर बड़े आराम से हो जाएंगे। इसे कहते हैं एक अच्छा डिज़ाइन, काम की चीज़। ये वो खिड़की है जो हमने देखी थी किचन के अंदर, साथ में आपके जो है चिमनी का पॉइंट, तो काफ़ी अच्छी चिमनी की खिड़की है यहाँ पर। अभी भी हम देख रहे हैं जैसे लाइट पूरे घर के अंदर आ रही है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर दोस्तों हमें सेकंड बेडरूम मिल जाएगा, और सीलिंग पर बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है बेबी पिंक कलर के साथ। आपको LED लैंप्स यहाँ पर मिल जाते हैं, एक अच्छी पूरी थीम तैयार की गई है यहाँ। ये खास चीज़ है, देखते ही समझ आता है कि हाँ काम जो किया घर के अंदर वो काफ़ी अच्छा किया, आपको डिज़ाइनर घर देने की कोशिश की गई है बिल्कुल बजट के अंदर। ये देखिए आपका बिल्कुल यहाँ पर TV पैनल है एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ, और ठीक इसके ऊपर ग्रास फिनिश के साथ आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप देखिए यूजली यहाँ पर जो नॉर्मल नट्स लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डायमंड फिनिश के साथ आपको नट्स मिलते हैं। और ये आपका वॉलपेपर जो कि डिज़ाइनर बिल्कुल एक थीम के साथ तैयार किया गया घर, और इसके ठीक ऊपर जो है यहाँ पर आपको हर रूम के अंदर जो है AC के पार्ट्स मिल जाएंगे। और यहाँ भी हमारे पास जो है वार्डरोब के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है, स्पेस की कमी नहीं होगी हमें इस घर के अंदर बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपके पास ड्रेसिंग एरिया, डिज़ाइनर आपका मिरर रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारे पास वॉशरूम हो रहा आता है, एक अच्छी स्पेस हमें यहाँ मिल जाती है। कॉन्ट्रास्ट के अंदर इसको भी डिज़ाइन किया गया है, पूरे आपको खिड़की भी यहाँ पर मिल जाती है छोटी सी, ताकि वेंटिलेशन बनी रहे घर के अंदर, ह्यूमस आए बाथरूम के अंदर। और जो पॉइंट्स हैं आपके बाथ फिटिंग्स हैं, आप जैसे घर में आते हैं तो आपके वो लग जाती हैं सारी की सारी। और यहाँ पर एक खास चीज़ और है, आपके पास जो ये दरवाज़ा है ये आपका सीधा बाहर की तरफ खुल जाता है, तो आपके पास जो यहाँ एंट्रेंस है वो डबल मिल जाती है हमें, एक खास चीज़, वाकई बड़ी खास चीज़ है। यहाँ से आगे बढ़ते तो हमारे पास आ जाती है हमारी स्टेयर्स, जहाँ पर मार्बल आपका लगा हुआ है, और साथ में जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आपको यहाँ मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। देखिए सनरूफ आपको पूरी यहाँ पर मिलने वाली है, आप सोच नहीं सकते कि बजट घर के अंदर भी आपको इतना कुछ मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ मिल जाती है, इजीली जो है चेयर टेबल लगा कर यहाँ पर बैठ सकते हैं। हमारे पास जो हमने नीचे से देखा था कई बार अच्छे से नहीं सामने से नज़र आती, तो ऊपर भी जो हमारी खिड़की रहेगी वो पूरी रहेगी, और फ्रंट एंट्रेंस डोर जो कि फ्लश डोर रहेगा हमारा, और ऊपर भी हमारे पास जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और देखिए जैसे हमने नीचे देखा था वैसे हमारे पास ऊपर भी पूरी स्पेस आ जाती है, सेम आपका जो रहेगा 18 फीट का रहेगा। और यहाँ पर आपको खिड़की भी मिल जाती है, ऊपर सीलिंग पर आपको लैंप्स मिल जाते हैं, डिज़ाइन आपको मिल जाता है POP का प्लस माइनस के अंदर। दोस्तों ऊपर जो हमें मिलता है एक रूम मिल जाता है, साथ में किचन मिल जाती है, तो किचन के अंदर जो है हमारे पास आपको नीचे कैबिनेट्स नहीं मिलेंगे, शेल्फ आपको मिल गई है, इसके साथ आपको जो बाथ फिटिंग्स है वो जो फिटिंग्स है टैप्स हैं वो आपको पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो किचन होती है वो बहुत कम यूज़ होती है। अगर आप रेंट आउट भी देते हैं तो ज़रूरत नहीं होती कि सब कुछ आपको करके दे रहे, क्योंकि बहुत कम होता है कि टेनेंट्स आपकी चीज़ों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस आ जाती है, और हमारा वॉशरूम जहाँ पर आपका टाइल्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया है, तीनों वॉशरूम के साथ जो डिज़ाइन दिया गया है वो काफ़ी अच्छा दिया गया, कहीं पर कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं दिखती, पूरे घर के अंदर क्वालिटी वर्क हमें पूरा देखने को मिला, काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर भी, अगर आप रूम्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं यहाँ से आपकी स्टेयर्स ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK हाउस, जो कि 90 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ, 19.5 फुट का इसका फ्रंट रहेगा, 19 फुट का। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वादे के साथ आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।